आप प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मैं आपको एसिड बेस सॉल्ट समझा रहा हूँ। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं, 9th के सारे कवर करवा दिए, 10th के चैप्टर्स की तरफ को चल रहे हैं, फिजिक्स के 9th के 10th के दोनों के कवर करवा दिए, मैथमेटिक्स के 9th के 10th के कवर करवा दिए। आप देखें यार, अगर आप देखेंगे सारे क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। लिटरली आप अनुभव करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी है। लेकिन उसके लिए तैयारी तो करो, वीडियोस को देखो, सपोर्ट भी करो। आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करना। तो इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि सारे के सारे बेस जरूरी नहीं है कि वाटर के अंदर सोल्यूबल हों। बहुत सारे बेस ऐसे हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करना। जैसे कि बोथ बेस एंड अल्कलीज आर सोल्यूबल इन वाटर। देखो, अल्कलीज सोल्यूबल होती है वाटर के अंदर, लेकिन बेस सोल्यूबल नहीं होते सारे के सारे। तो बेस, ये वाला ऑप्शन तो गलत। ऐसे यहाँ पर देखो, बेसिस आर सोल्यूबल इन वाटर, नहीं भाई, कुछ बेस ऐसे होते हैं जो सोल्यूबल होते हैं, लेकिन बहुत सारे बेस ऐसे हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है। दो ऑप्शन कट गए। अब इसके बाद इथाइल एल्कोहल की तरफ को देखो। इथाइल एल्कोहल इज अ बेस बिकॉज इट हैज़ OH ग्रुप। नहीं भाई, इथाइल एल्कोहल जिसको आप C2H5 कह रहे हो, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो होता है, बट ये ना तो एसिड है ना ये बेस है, ध्यान देना। तो ये OH ग्रुप की वजह से आप बेस मत बोल देना इसको। OH ग्रुप ये तब देखा जाता है जब वाटर के अंदर आप डिसॉल्व करके देखो और देखो कि ये हमें क्या दे रहा है। तो नहीं देता ये OH ग्रुप, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखो, अल्कलीज आर सोल्यूबल इन वाटर, ये होती है, बट बेसिस आर नॉट, बात बिल्कुल करेक्ट है, ये पते की बात है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को।